हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी मिरेकल जूस की रेसिपी लेकर आई हूं और ये है एबीसी जूस। तो ये वाला जो जूस है फाइबर रिच है, इसको पीने से आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। तो इसका नाम एबीसी जूस इसलिए है क्योंकि इसको हम एप्पल, बीटरूट और कैरेट से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बीटरूट और कैरेट को छील लिया है और सबको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, तो एप्पल को मैंने बिना छीले ही यूज़ किया है। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और उसका एक बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको बिल्कुल बारीक पीस कर रख लें। तो ये वाला जो जूस है ये मिरेकल जूस इसलिए है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और फाइबर रिच है। इसको पीने से आपकी स्किन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, हेयर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी, साथ ही आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और ब्लड भी प्योरीफाई हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको बारीक पीस लिया है, पर अब ये थोड़ा सा मोटा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको बिल्कुल बारीक पीस लूँगी और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये बारीक पीस कर तैयार है, अब मैं इसको छान लूँगी। तो आप इसको बिना छाने भी यूज़ कर सकती हैं, पर मैं इसको छान कर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें चीनी वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा हनी डाल सकती हैं। तो इसको जो मैंने ना बिल्कुल ही शुगर फ्री तरीके से बनाया, मतलब इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। तो इसको हम छान लेंगे। इसके जो बहुत मोटे पीसेस हैं वो तो ऊपर रह जाएंगे, पर जूस में फिर भी बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद होगा जिससे कि ये जो जूस है बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। तो देखिए नीचे हमारा जूस तैयार है। अब इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के साथ आंवले को भी पीस सकती हैं, तो उससे ये जूस जो है और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल दिया है, उसको मिक्स कर लूँगी और हमारा टेस्टी हेल्दी एबीसी जूस बनकर तैयार है। अगर आपको आज की सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।